इस समय हमारे साथ है यमुना प्राधिकरण सीईओ डॉक्टर रणवीर सिंह सर। टेन न्यूज में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अगर हम 2022 की बात करें, अंतिम पड़ाव की ओर है इस समय, यमुना अथॉरिटी द्वारा क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं सन 2022 में, क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? देखिए, बहुत सारे कार्य, बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, बहुत सारे अलाटमेंट हुए हैं, नए नए परियोजनाएं आई हैं, नई परियोजनाओं की बिड निकली है। सबसे बड़ा तो काम फिल्म सिटी की ग्लोबल बिडिंग है, जो 31 जनवरी को फाइनल हो रही है। इसके अलावा पार्ट टैक्सी लाए जाने की योजना बनी, उसकी DPR शासन ने अप्रूव कर दी है, उसका भी RFP डॉक्यूमेंट आ रहा है। टप्पलबाजना में नया लॉजिस्टिक पार्क आ रहा है, इस साल मेडिकल डिवाइस पार्क आया, उसके अलाटमेंट हुए और उसके सेकंड फेज के अलाटमेंट की कार्रवाई चल रही है। डाटा पार्क की स्कीम लाई गई, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट पार्क और अन्य पार्क जो इंडस्ट्रियल पार्क बन सकते हैं उनका डेवलपमेंट भी हुआ। टॉय पार्क में लोगों को पजेशन ऑफर किए गए, अपैरल पार्क में लोगों को पजेशन ऑफर किए गए। तो बहुत सारी परियोजनाएँ इस साल नई भी आई हैं और जो पहले अलाटमेंट हुए थे उनमें पजेशन का काम चल रहा है, और काफ़ी नई नई चीज़ें जो है, जो विश्व स्तर पे जो नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे सेमी कंडक्टर के लिए एक नया सेक्टर लाया जा रहा है, 5 के जिसको कहते हैं। तो बहुत सारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको कैसे समाहित कर सकते हैं, उसके लिए नई परियोजनाएं, नए सेक्टर्स विकसित किए जा रहे हैं। सर, अगर हम आने वाले नए वर्ष की बात करें सन 2023 की, तो क्या प्राथमिकता रहेगी विकास कार्यों को लेकर प्राधिकरण की ओर से? देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा। अभी हम सब लोग बाहर भी गए थे निवेश के लिए, और जापान और कोरिया की यात्रा हमने भी की थी। तो वहाँ से जो निवेश आ रहा है, जो बड़े बड़े निवेशक आ रहे हैं, उनको लैंड अलाटमेंट, उनको मौके पर तुरंत कब्जा दे देना, और साथ ही साथ उनके द्वारा मौके पर निर्माण कार्य शुरू किया जाना, साथ ही साथ जो पुरानी परियोजनाएं हैं उनको समयबद्ध रूप से पूरा किया जाना 31 मार्च तक। यही प्राथमिकता है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है वो मौके पे अलाटमेंट हो जाए और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर उस काम भी शुरू हो जाए। सर, 2023 पे क्या आप मैसेज देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? नहीं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी को बहुत बहुत एक तो शुभकामनाएं, नव वर्ष की मंगल कामना उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके उन्नति के लिए। और साथ ही साथ हमारी प्रतिबद्धता यही है कि सरकार और प्राधिकरण दोनों प्रतिबद्ध हैं, उनके बेहतरी के लिए जो भी कर सकते हैं वो दिन रात करेंगे। सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की टेन न्यूज की तरफ से। टेन न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेन न्यूज़ को भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, टेन न्यूज़ के दर्शकों को और टेन न्यूज़ को बहुत सारी शुभकामनाएं, और दिनों दिन इसी तरह से उन्नत के पथ पर अग्रसर हो आपका चैनल, इसके लिए मंगल कामना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।